हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ अध्याय एक वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। यदि आप इससे पहले प्रश्नावली 1.1 और 1.2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यानी दोस्तों, हमें यहाँ क्वेश्चन में 6 भिन्न दिया है, तो हमें इसे दशमलव रूप में लिखना होगा और फिर हमें बताना होगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना, वो किस प्रकार है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारा दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रसार हमारा दोस्तों, दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा दोस्तों शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो जाएगा दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत, आपको याद रखना है। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे कि दोस्तों 2.3, तो ये जो 2.3 है ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार 2.45, ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। कैसे दोस्तों, तो जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। इसमें हमारा पूर्णावृत्ति नहीं होगा। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, 1.99, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा 9 जो है ना, वो बार बार आएगा, यानी रिपीट होगा। इसी प्रकार ये चलता रहेगा और इसमें हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारा शेषफल 0 नहीं होगा और भागफल में हमारा वही संख्या बार बार आता रहेगा, यानी उसका पुनरावृत्ति होगा। तो हम इसे भाग कर कर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारा एक भिन्न है 1/10, तो हम इसका दशमलव प्रसार चेक करेंगे कि शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हम पहले ये जो भिन्न है इसे हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो हर से अंश को हम भाग देंगे। तो हर हमारा 10 है, तो हम 10 में कितना से भाग देंगे, 1 से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 10 से 1 छोटा है तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम इस 1 को बड़ा करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो भागफल है, भागफल में हम 0.0 लगाकर यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम 10 से 10 में भाग दे सकते हैं, कितने बार में लगेगा, एक बार में 10 सेकंड 10। तो घटाएंगे दोस्तों क्या होगा, 0। तो यहाँ देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया और हमारा भागफल में क्या है, 0.1। तो दोस्तों, ये हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आया है। एक और देखिए उदाहरण दोस्तों, जैसे कि है 1/9, तो इसे भी हम दशमलव रूप में लिखकर इसका दशमलव प्रसार चेक करेंगे कि किस प्रकार है। तो हम 9 से 1 को भाग देंगे, तो यहाँ भी दोस्तों 9 से 1 छोटा है तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम यहाँ 0.0 लगाकर यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हम 9 से 10 में भाग देंगे, तो कितनी बार लगेगा, एक बार में, 9 एक 9, 2 बार लेंगे तो 18 हो जाएगा। हम इसके बराबर या इससे छोटी संख्या लेंगे, तो 9 एक 9, अब घटाएंगे तो क्या होगा, 1। तो यहाँ 9 से 1 छोटा है तो फिर भाग नहीं लगेगा। तो हम यहाँ भागफल में पहले से ही दशमलव लगा रखा है, तो हम यहाँ फिर से 1 0 बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ बार बार दशमलव नहीं लिखेंगे, एक ही बार
यहाँ लिखेंगे और यहाँ हम जीरो बढ़ाते रहेंगे। तो फिर 10 से 9 में लगाएंगे कितनी बार लगेगा, एक बार में, फिर घटाएंगे 10 में से 9 क्या होगा एक, फिर एक बच गया, दशमलव लगा रखा है तो फिर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 9 से लगाएंगे कितनी बार लगेगा, एक बार में 9 × 1 = 9 घटाएंगे क्या होगा, फिर एक होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसी प्रकार जो ये हमारा भाग है ना बढ़ता रहेगा, यानी इसका शेषफल हमारा एक बचता ही रहेगा, और यहाँ भागफल में हमारा ये जो एक है ना एक भी बढ़ता रहेगा, इसका पुनरावृत्ति होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, आसान दशमलव प्रसार। शान दशमलव प्रसार में हमारा शेषफल जीरो आएगा और आसान दशमलव प्रसार में हमारा शेषफल जीरो नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ जो 0.11 है ना, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर बार। बार लगाने का मतलब दोस्तों यही हुआ कि ये जो एक है ना ये हमारा बार बार आ रहा है। एक और देखिए, जैसे कि 3.4 है, तो ये हमारा हो जाएगा शान दशमलव प्रसार। यदि हम यहाँ 3.4 के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद जो ये 4 है ना, 4 हमारा बढ़ता ही रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आसान दशमलव प्रसार। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 36/100, तो देखिए इसका हल। तो यहाँ है हमारा पहला क्वेश्चन 36/100। तो दोस्तों 36/100 ये हमारा साधारण भिन्न में है, तो पहले हम इसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो इसके लिए हम हर से अंश में भाग देंगे, तो हर हमारा है 100, तो 100 से हम 36 में भाग देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 100 से 36 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 0.1 लगाकर 10 यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 360। तो अब हम 100 से 360 में भाग दे सकते हैं, कितनी बार लगेगा, 3 बार में, 100 × 300। अब घटा लेते हैं, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 3 में से 3 माइनस करेंगे कट गया, यानी 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ 60 है, 100 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, तो हम पहले ही भागफल में दशमलव लगा रखा है, तो यहाँ 10 बढ़ा सकते हैं। तो अब ये हो गया 600, तो हम अब 100 से 600 में भाग देंगे, तो कितनी बार लगेगा, 6 बार में। जब हम 100 को 6 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 600, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 600। अब घटाएंगे, तो 600 में से 600 माइनस करेंगे क्या होगा, 0, तो हमारा शेषफल यहाँ 0 हो गया, और इसका दशमलव भिन्न क्या हो गया, 0.36, यहाँ लिख लेते हैं, इसका दशमलव हो गया 0.36। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, तो यहाँ लिख लेते हैं हम शांत दशमलव। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 1/11, तो इसे पहले हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो 11 से हम 1 में भाग देंगे, तो 11 से 1 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 0.1 लगाकर 10 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा अब 10, तो अभी भी 11 से 10 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से 10 बढ़ाएंगे, तो जब हम यहाँ 20 लगातार बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद भी 10 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ 100 हो गया, तो 11 से इसे भाग देंगे, तो कितनी बार लगेगा, 9 बार में, 11 × 9 = 99। ठीक है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 9 माइनस करके 0, यानी कट गया, और यहाँ भी हमारा 0 बाकी हो गया, यानी कट गया। तो यहाँ देखिए शेषफल 1 है,
छोटा है 11 से तो भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ दशम में पहले से 0 लगा रखा है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो फिर से ये 10 हो गया, 11 से छोटा है तो हम यहाँ फिर 1 0 लगाएंगे और यहाँ 1 0 फिर बढ़ा सकते हैं। तो फिर 11 से लगाएंगे, 100 में कितनी बार लगेगा, 9 बार में, 11 9 में 99, फिर घटाएंगे 100 में से 99 तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ देख के हमारा शेषफल क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम भागफल में पहले से दशमलव लगा रखा है तो 1 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, तो 10 हुआ, तो फिर हम यहाँ 1 0 लगाएंगे और यहाँ 1 0 हम यहाँ भी लगाएंगे तो यहाँ हो गया 100, फिर लगाएंगे 1100 तो कितनी बार लगेगा, 9 बार में, 11 9 में 99, फिर घटाएंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा कि इसी प्रकार ये 1 आता रहेगा और यहाँ जो दशमलव के बाद 0909 है ये हमारा बढ़ता ही रहेगा। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम 0.09 को 0.09 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इसे हम, इसका दशमलव भिन्न दोस्तों क्या होगा, 0.09 के ऊपर बार। तो दोस्तों इस प्रकार के दशमलव प्रसार हमारा क्या होता है, आसान दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आया है। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 4 सही 1/8, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न है तो पहले हम इसे साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 8 को गुना करेंगे फिर 1 को जोड़ देंगे। तो दोस्तों 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, 32 + 1 33 बट्टा में क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 33 बट्टा में 8। तो हम फिर इसे क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो इसके लिए 8 से हम 33 में भाग लगाएंगे, तो 8 से तो यहाँ हमारा 8 से 33 बड़ा है तो भाग लग जाएगा, तो लगा लेते हैं। तो 8 से 33 में भाग लगाएंगे कितनी बार लगेगा, 4 बार में, 8 चौके 32, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 32, घटाएंगे 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो यहाँ देखिए 1 है, 8 से छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 1 0 लगाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। जब हम भागफल में दशमलव लगाएंगे तभी यहाँ हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब ये हो गया 10, 8 से बड़ा है, भाग लग जाएगा, कितनी बार लगेगा, 1 बार में 8 एकन 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 8, घटाएंगे क्या होगा, 2। तो 8 से छोटा है तो यहाँ हम भागफल में पहले से दशमलव लगा रखा है तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 20। तो फिर हम 8 से 20 में भाग लगाएंगे, कितनी बार लगेगा, 2 बार में 8 दूनी 16। अब इसे घटा लेते हैं तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो यहाँ 4 है शेषफल, 8 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ हम भागफल में पहले से दशमलव लगा रखा है तो फिर हम यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हम 40 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा, 5 बार में 8 × 5 = 40, तो 40 में 40 माइनस करेंगे 0, तो यहाँ देखिए हमारा शेषफल 0 हो गया। तो इसका दशमलव दोस्तों क्या हो जाएगा, 4.15। तो दोस्तों ये हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, इसमें हमारा शेषफल 0 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 3/13, तो इसे हम पहले दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो इसके लिए हम 13 से 3 में भाग देंगे। तो 13 से 3 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 0 दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हम 30 में 13 से भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा, 2 बार में 13 × 26, घटाएंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 13 से 4 छोटा है तो हम यहाँ भागफल में दशमलव लगा रखा है तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 40 में अब 13 से भाग लगाएंगे, कितनी बार लगेगा, 3 बार में 13 = 39, घटाएंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा।
तो यहाँ एक हो गया तो इससे छोटा है, तो हम यहाँ दशमलव लगा रखा है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए दस हो गया तो 13 से हमारा 10 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो हम यहाँ फिर से क्या करेंगे, भागफल में एक जीरो लगा कर यहाँ फिर से एक जीरो लगा सकते हैं। तो अब ये हो गया 100, तो इसे हम फिर से भाग लगा सकते हैं। तो अब हम 13 में 100 से भाग लगाएंगे, कितनी बार लगेगा, 7 बार में, 13 सत्ते 91 घटाएंगे क्या होगा, 9 हो जाएगा, 13 से 9 छोटा है तो हम यहाँ दशमलव लगा रखा है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब हम 13 से 90 में भाग लगाएंगे, कितनी बार लगेगा, 6 बार में, 13 छक्के 78 घटाएंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। तो देखिए यहाँ 12 हो गया, 13 से छोटा है तो हम यहाँ दशमलव लगा रखा है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 120। तो अब हम 13 से 120 में भाग देंगे, कितनी बार लगेगा, 9 बार में, 13 नम्मे 117। अब घटा लेते हैं तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, कट गया, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा शेषफल यहाँ 3 बच गया, यानी पहले जैसा ही हो गया। फिर से अब हम 13 से 3 में भाग देंगे, तो जब हम इसे फिर से भाग देंगे तो ये जो है ना दशमलव के बाद जो संख्या आया है 2 3 0 7 6 9 बढ़ता ही रहेगा। हम इसे फिर एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा दशमलव के बाद 2 3 0 7 6 9 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 3 0 7 6 9। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0.23079 के ऊपर बार। तो दोस्तों ये हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसमें हमारा शेषफल 0 नहीं आया है और दशमलव के बाद संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 2/11, तो हम यहाँ भी 11 से 2 में भाग लगाएंगे, तो 11 से 2 छोटा है भाग नहीं लगेगा, तो हम 0 दशमलव लगा कर यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 11 से 20 में कितनी बार में भाग लगेगा, एक बार में, 11 एकन 11 घटा लेते हैं तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो यहाँ देखिए 9 है तो 11 से छोटा है तो हम यहाँ दशमलव लगा रखा है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो फिर लगाएंगे 90 में 11 से भाग, कितनी बार लगेगा, 8 बार में, 11 अट्ठे 88 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से हमारा शेषफल 2 आ गया, तो हम यहाँ दशमलव लगा रखा है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम 20 में 11 से भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा, 11 को एक बार गुना करेंगे 11 11 11 घटाएंगे, फिर से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 9। फिर हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हम 11 से 90 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, 8 बार में, 11 अट्ठे 88। फिर घटाएंगे दोस्तों, फिर से क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसी प्रकार ये हमारा भाग बढ़ता ही रहेगा, और यहाँ जो भागफल में हमारा 0.1818 है ना, ये इसका पुनरावृत्ति होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1118 के ऊपर बार। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार दोस्तों क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 329/400, तो इसे भी हम पहले भाग देंगे फिर हम देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों इसके बट्टा में क्या है, 400 है, तो हम इसे थोड़ा आसान तरीका से भाग कर लेते हैं, यानी हम लिखेंगे 329/400 को हम क्या लिख सकते हैं, 1×4, ठीक है। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 329 को 4 से भाग देंगे, तो जब इसे हम भाग देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 82.25 और बट्टा में 100, हमने 4 से भाग दिया तो ये हो गया।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे, हम यहाँ से ये जो दशमलव है ना और इसे हम हटाएंगे, तो जैसे हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे गुणे एक लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद दाईं साइड में कितनी संख्या है, दो संख्या, तो हम यहाँ दो जीरो लगा देंगे। तो ऊपर हमने दशमलव हटा लिया तो ये क्या हो गया, 8225 यानी 8225, और बट्टा में दोस्तों 100 को 1 से गुना करेंगे तो 10000 हो जाएगा यानी 40। तो अब हम 10000 से 8225 में भाग देंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 0 है ना, तो यहाँ भी हम अंश में क्या करेंगे, दाहिने साइड से चार संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसे 8225, तो हम यहाँ चार संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 यानी यहाँ लगाएंगे, तो इसका दशमलव दोस्तों क्या हो जाएगा, 0.8225। तो इसमें हमारा जो शेषफल है ना वो 0 आएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार दोस्तों क्या होता है, शांत, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 के ऊपर बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 1/7 = 0.142857 के ऊपर बार, तो हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो इसका दशमलव प्रसार दोस्तों क्या होगा, अशांत, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा दशमलव के बाद वाली संख्या के ऊपर बार लगा है, तो जब हमारा बार लगा रहेगा तो वो हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो हाल में हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल है, यदि हाँ तो कैसे, तो हमें कारण भी देना है कैसे दोस्तों। तो हम यहाँ इन सभी का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे। तो हमें यहाँ दोस्तों क्या दिया है, 1/7 = 0.142857 के ऊपर बार है। तो पहले हम यहाँ 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2/7 है, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2×1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे 2×1/7 है ना, तो इसकी जगह हम इसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.142857 के ऊपर बार। अब हम इसे 2 से गुना कर देंगे, तो गुना कर लेते हैं, 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 × 14 = 4 = 1, 5 × 2 = 11 = 1, 8 × 16 = 16 = 17 = 7 = 1, 2 × 4 = 5, 4 × 8 = 21, 2 = 0 है तो दशमलव लगा देंगे, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो दोस्तों 2/7 का दशमलव प्रसार हो गया 0.185714 के ऊपर बार। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आसान दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इसी प्रकार हम 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे।
तो दोस्तों इसी प्रकार हम इन सभी का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।